हेलो दोस्तों, टी के एंड टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजी लॉकर के बारे में। ये डिजी लॉकर क्या है, कैसे काम करता है और इसका क्या फ़ायदा है, इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया है तो ऑन कर दीजिए ताकि आप देख पाएँ हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या है ये डिजी लॉकर और कैसे इसे बनाया जा सकता है और कैसे यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि डिजी लॉकर एक ऐसा ऐप्स है जिसमें आपका सारा डॉक्यूमेंट सेव रहता है। ठीक है, आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं है, वो इसमें पहले से ही सेव रखता है। जैसे मान लीजिए आपका आधार कार्ड अगर बाई चांस गुम हो जाता है, तो चाहे तो आपको फिर से लाइन में लग के आधार कार्ड बनवाना होगा या फिर आधार नंबर है नहीं, एनरोलमेंट नंबर मांगा जाएगा, वो भी आपके पास नहीं है। तो दोस्तों, ये डिजी लॉकर के मदद से आप निकाल सकते हैं अपने आधार कार्ड को। ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक अकाउंट और भी अभी इसमें बहुत सारे फंक्शन आ रही है, स्कूल सर्टिफिकेट, 12th तक की मार्कशीट, तो ये सब चीज़ इससे निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर ये चीज़ ये सब जानना है आपको तो इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने मोबाइल में या पीसी पे, मैं मोबाइल चलाता हूँ, तो आपको टाइप करना है गूगल पे डिजी लॉकर। ठीक है, और अगर मोबाइल में चला रहे हैं तो आप प्ले स्टोर में जाके डिजी लॉकर लॉकर टाइप कर सकते हैं, डी आई ये डिजी लॉकर, इस तरीके का दिखाई देगा डिजी लॉकर। तो मेरे में डाउनलोड किया हुआ है, इंस्टॉल है, मैं ओपन कर लेता हूँ, आप यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ बता रहा है साइन इन और साइन अप। तो दोस्तों, आपको नया अकाउंट बनाने के लिए साइन अप पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ आपको अपना मोबाइल, पर्सनल मोबाइल नंबर डाल देना है, जो भी मोबाइल नंबर हो दोस्तों। जैसे ही आप इसे डालेंगे तो आपके पास एक OTP आएगा। ठीक है दोस्तों, ये मेरा OTP आ गया है, चलिए मैं OTP डाल लिया। अब यहाँ आपसे मांगा जाएगा ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। तो चलिए दोस्तों, आप अपना ईमेल एड्रेस डाल दीजिए या फिर मोबाइल नंबर डाल दीजिए। तो चलिए मैं मोबाइल, ये सारा डॉक्यूमेंट्स फिल कर लेता हूँ। पासवर्ड दोस्तों, देखिए दिखा रहा है बिटवीन 8 to 30 characters, मोस्ट कॉन्टेंट एट लास्ट 1 letter 1 number एंड 1 special character ओनली हस स्टार डॉलर। ठीक है, @ तो दोस्तों, आपको सबसे पहले 1 number टाइप करना है, जैसे कि 1, उसके बाद आपका पासवर्ड जो भी होगा। और पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों, आपका इस तरीके से अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ आपको दिखा रहा है आधार कार्ड, यू हैव येट लिंक योर आधार विथ डिजी लॉकर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ अपना आधार नंबर डाल दीजिए और इसको क्लिक कर दीजिए, आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ अपना आधार कार्ड डाउनलोड। तो दोस्तों, बता रहा है कि मेरा आधार नंबर इस मोबाइल से नहीं है, मैंने अपना पहले से अकाउंट बना के रखा है, तो मैं वो अकाउंट आपको प्ले ओपन करके दिखा देता हूँ किस तरीके से डाउनलोड करना है। ठीक है दोस्तों, ये तो ये इस अकाउंट को तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, मेरा एक अकाउंट पहले से ही बना हुआ है। देखिए दोस्तों, आधार नंबर डालने के बाद इस तरीके से आ जाएगा आपका अकाउंट। ठीक है, आपका आधार कार्ड
इस तरीके से दिखा देगा। यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने अपना पेन भी डाउनलोड करके रखा है, और यहाँ पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पेन कार्ड और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आपको अगर वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, लाइक शेयर कमेंट, ठीक है दोस्तों।